हाय माय डिवास, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको न्यू मेकअप लुक करके दिखाने जा रही हूँ, जो कि कुछ इस तरह से है, जो बहुत ही नेचुरल लुक लेके आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक मॉइस्चराइजर लेके अपनी स्किन को मॉइस्चर कर लेते हैं। सेटाफिल का मॉइस्चराइजर लिया है। न्यू मेकअप लुक में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चर कर लीजिए। इसमें कम से कम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, सो दैट बहुत ही नेचुरल लुक आए। मॉइस्चर करने के बाद अब मैं ये फ्रीडम प्रो का आईब्रो प्रोमेड है, इसको मैं यूज़ करूँगी, जिससे आईब्रो फिलिंग करूँगी। ये मेरा प्रोमेड का कलर है चॉकलेट। बहुत ही सॉफ्ट आर्च बनाते हुए फिलिंग करनी है। इस तरह से आपको आईब्रो की फिलिंग कर लेनी है। लिप्स को थोड़ा मॉइस्चराइज करने के लिए कोई भी लिप बाम आप यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये लैक्मे का लिप लव यूज कर रही हूँ। अगर स्किन में पोर हैं और स्किन बहुत ही फ्लॉलेस लानी है तो उसमें पोर फिलर अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये पोर फिलर लिया जो कलर एसेंस का। इसे डैब डैब करके अप्लाई करना है आपको। अगर स्किन पे कोई भी स्पॉट हो तो कलर करेक्टर यूज करना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्रायलॉन का ये ऑरेंज कलर करेक्टर यूज कर रही हूँ, शेड 303। इसको हल्का सा डैब डैब करके अप्लाई करना है। इसको आपको जस्ट उसी एरिया पे अप्लाई करना है जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो, और ज्यादा स्प्रेड नहीं करना है, बहुत ज्यादा नहीं लगाना है। नेक्स्ट मैं ये वेट एंड वाइल्ड का क्लासिक बीज फाउंडेशन यूज कर रही हूँ। इसको फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से पूरा स्प्रेड कर रही हूँ। मॉइस्चराइजर करने के बाद जब आप इस तरह से फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो वो 6 to 8 hours अच्छे से टिका रहता है और स्किन भी बहुत ही फ्लॉलेस लगती है। बफिंग ब्रश है जिसकी हेल्प से मैं इसे स्मच कर दूंगी। ये बफिंग ब्रश बहुत ही की फीचर है इसका, कि इसकी हेल्प से आप बहुत ही फ्लॉलेस स्किन ला सकते हैं। जब तक कि फाउंडेशन मर्ज ना हो जाए आप बफिंग करते रहिए। इस तरह से बफिंग करने से ये पूरा फाउंडेशन सेट हो गया है। अब मैं ये वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस कंसीलर ले रही हूँ, जिसका शेड है लाइट मीडियम बेज कलर। इसको सी बनाना है यहाँ से, अंडर आई कंसीलर हम लोग इसलिए डालते हैं क्योंकि इससे आईज बहुत ही ब्राइटन अप लगती हैं और बहुत ही फ्रेश लुक आता है। तो इसे डैब डैब करके सेट कर लेते हैं। इसे डैब डैब करके पूरा सेट कर लिया है। अब नेक्स्ट मैं ये क्रायलॉन का ट्रांसलूसेंट पाउडर ले रही हूँ, जिससे कि जो फाउंडेशन लगाया है उसको मैं सेट कर लूँ। एक पाउडर ब्रश की हेल्प से एक्सेस में झाड़ दीजिए और जस्ट वन स्वाइप या टू स्वाइप में इसको पूरा फेस कवर कर लेना है। पाउडर सेट होने से एकदम फ्रेश लुक आता है। ये मैट हो जाता है, थोड़ा सा ड्यूवी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं लगेगा कि फेस पे स्वेट आया हुआ है। नेक्स्ट ये आई लैश कर्लर है, जिससे मैं अपनी आई लैशेस को कर्ल कर लूंगी। ये मेबलिन का लैश सेंसेशनल मस्कारा है, इसे अप्लाई कर रही हूँ लैशेस को वॉल्यूम देने के लिए। नेक्स्ट ये लैक्मे आइकॉनिक काजल है, जिसे कि नीचे वाटर लाइन में नहीं लगाएंगे, जस्ट ऊपर टाइट लाइन करेंगे इससे। अब लोअर लैश लाइन पर मस्कारा अप्लाई करूंगी। नेक्स्ट ये वेट एंड वाइल्ड का कॉन्टूरिंग पैलेट है, जिसमें कि मैं ये ब्राउन वाला शेड से कॉन्टूर करूंगी। इस तरह से मैंने फोरहेड को भी कॉन्टूर कर लिया, जॉ लाइन को कर लिया है, एंड ये जो चीक बोन होती है उसके नीचे हर जगह पर कॉन्टूर हो गया। हल्का सा नोज कॉन्टूर करूंगी। नेक्स्ट मैंने ये प्रो आर्टिस्ट का ब्लशर लिया है और ये वेट एंड वाइल्ड का जो ये वाइट पाउडर है
कॉन्टोरिंग में इसको मिडल में लगाना है नोज ब्रिज पर। अब ये लोटस की लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ, द शेड 434। ये लुक कंप्लीट हो गया है, नो मेकअप मेकअप लुक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरे वीडियोस को और कमेंट करके बताएं। बाय बाय।